9 minutes. मैं शफी खान वार्ड नंबर 1 काजी मोड़ा पर काजी मोड़ा से बोल रहे हैं। असि सारे महल आले कट्ठे आए दे हैं। पहले जेडे लाइनमैन से बड़ी केयरफुली होशियारी ने नाल काम करते से, जब दे नए लाइनमैन आए तब थी साड़ी बिजली ना बुरा हाल है, और हर हफ्ते बिच 2-3 बार इसे ट्रांसफार्मर जल जाना, लोग बच्चे परेशान हैं, बीमार परेशान हैं, पानी नहीं किल्लत है, और मोटर नाल जेड़ा पानी शानी को मस्जिद भी चलाने या अगे पिछे करने उसकी भी बड़ी परेशानी है। और इस वक्त हर रोज़ 2-3 दिन बस साढ़े ट्रांसफार्मर जलिया हुआ होना है, कोई ना कोई इस किस्म की परेशानी है। या तो नाया लेनी है जो लाइनमैन हैं, या लाइनमैन ट्रांसफर करो, अच्छे अफसर लाओ। असर मैं अफसर इंतजार करना चाहना, मैं डीसी साहब की इंतजार करना चाहना, तो साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, और एक्सीएम साहब बड़े साहब जब उन्होंने भी एक्सीएम अच्छी है, लेकिन अगर जरा स्टाफ है ये केयर ही नहीं करना। असा लोगों ही उन्होंने लोगों जोड़िया था जेडे कि पिछले ढोकों भी देने उत्थे दूर दराज एरिए भी, और ये म्यूनसिपलिटी एरिए भी चाहिए जगह। मेरी गुजारिश है डीसी साहब नाल और एक्सीएम प्लस इन्होंने स्टाफ नाल, इस जोड़ा स्टाफ है इतने लगाया था थोड़े दिन, उसमें जब ना ये स्टाफ आया तब तो यही बुरा हाल है, इन्हें ट्रांसफर किया जाए, अच्छे थी अच्छे जेडे जानकार जेडे बिजली के बंदे लगाए जाए इतने। खान मेरा नाम है, मैं वार्ड नंबर 1 में राजपजीर हूँ। असा 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन पहले जो बिजली का निज़ाम था अच्छा था, कुछ देर में ख़राब हुआ, एक ट्रांसफार्म था, फिर हमने इस दा कि हमें दूसरा ट्रांसफार्म यहाँ मल्ले के लिए मिला, तो अब उससे भी लाइन मैनों ने आगे दूसरी जगह बढ़ा दिया, पता नहीं क्या इनको सख्ती है, और इनको चेंज किया जाए और अच्छे आदमी जो अच्छे स्टाफ में अच्छे आदमी हैं वो लगाए जाएँ, ताकि हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो सके। यहाँ की लाइट 2-4 दिन जैसे कोई आँख मचोली खेले ऐसे इसकी लाइट चलती है, कभी बंद हो जाती है कभी आ जाती है, तो इस लिहाज से हमें बहुत परेशानी हो रही है लाइट। हाँ, बच्चों को भी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर अर्थ हो जाए बिजली तो किसी की भी जान लेवा हो सकती है, तो लिहाजा बिजली की तारें भी नीचे लटक रही हैं, कोई भी केयर नहीं कर रहा, लाइनमैन आते नहीं, किसी वक्त अगर आते भी हैं तो कुछ भी नहीं, वो काम नहीं जानते हैं शायद, तो इसलिए इनको ट्रांसफ़र करके अच्छे आदमी को डिप्यूट किए जाए। मैं ये कहूँगा कि सबको परेशानी है, देखो तारें अगर किसी के सर को लग जाती हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं बार बार, कभी बस आती है कभी ट्रक आता है, दिन भर ट्रक और यहाँ जाम लगा रहता है कि गाड़ियाँ निकल ही नहीं सकती हैं, तो जब आके इनको बोलते हैं लाइन मैनों को भाई ये इसका कोई चेंज करो, खंबा अलग साइड पर रोड के बीच में खंभे लगाए हुए हैं, तो जब परेशानी आती है हम इनको कहते हैं, तो आगे से हमें सिखाते हैं कि भाई ये क्या हम क्या कर सकते हैं, आप जाके महकमे से बात करो, महकमे वाले यहाँ देखना चाहते ही नहीं, ना कोई आता है इधर। तो मेरी गुजारिश है सबसे, डीसी साहब से भी एक्सीएम साहब से भी, कि भाई ये इनका आके खुद मायना करें और मायना करके देखें कि क्या हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जो ये ट्रांसफार्मर हमने लाया था यहाँ पर, ये हमने अपने महल्ले के लिए बड़ी अप्रोच करके लाए थे हम, और उसके बाद जब ट्रांसफार्मर यहाँ लग गया तो उसके बाद महल्ले वाले जब मकान बढ़ रहे हैं, ज़मीन पहले खाली पड़ी थी, आप लोगों ने मकान बनाना शुरू किए हैं और उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। अब क्या है कि उसको आगे पीछे इन्होंने, वो तो महल्ले का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, इन्होंने क्या किया कि आगे पीछे और महल्ले में जहाँ लाइट पहले चल रही थी वहाँ से काट के उस महल्ले में आगे आगे दे दी है लाइट, तो अब उसका लोड तो ट्रांसफार्मर पर पड़ेगा ही, तो अब तो लोड पड़ गया, बार बार ये जलता है, इसकी बेहतर है कि इसको चेंज करके कोई बड़ा ट्रांसफार्मर लगाए, नहीं तो अक्सर और एक